नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज मैंने कोई ट्रेड एक्चुअली मैंने नहीं किया और मैं एक्चुअली ले नहीं पाया, मैं मौका मिस कर गया। हम सब ने देखा कि जो पहला हाफ था, खास करके 1 बजे तक, वो बहुत ही भयंकर साइडवेज मार्केट था। और उसके बाद, क्योंकि मेरा लंच टाइम जो होता है वो 1 बजे से 1:45 तक होता है, तो 12:55 पर मैं अपना टिफिन लेकर के कैफेटेरिया में चला गया। फिर वापस जब आया 1:45 बजे और सिस्टम में मैंने चार्ट देखा, तो जब तक पूरी भैंस पानी में जा चुकी थी। एक बहुत बड़ा मोमेंटम उसने डाउन साइड में दिया और वो मौका निकल गया। मैंने उसके बाद एंट्री करने के लिए बहुत सारी जगह ढूंढी, मगर मुझे मौका मिला नहीं। अब मैं बताता हूँ कि मेरा मौका होता क्या है। अगर आप 3 मिनट में आते हैं तो आप यहाँ देखोगे, इसने यहाँ से जो डाउन साइड देना शुरू किया, यहाँ को छोड़ करके, उसके बाद उसने एक बार भी रिट्रेसमेंट नहीं लिया जैसे यहाँ लिया इसने। जैसे यहाँ देखो, आया नीचे, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो ये एक पुल बैक होता है और हमेशा यहीं पर एंट्री करनी होती है, जो कि सबसे बेस्ट एंट्री होती है। इस तरीके में क्या होता है कि जैसे बैक टू बैक अगर आपकी रेड कैंडल बनती चली जाती है, तो कितनी बार उसमें ट्रैप हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर, मुझे कहीं मौका नहीं मिला, 3 मिनट में भी नहीं मिला। मैं तो आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, 5 मिनट में भी नहीं मिला, देखिए आप। उसके बाद 15 मिनट में तो बिल्कुल नहीं मिला। तो ये जो है सो मौका आज निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम रिव्यू करते हैं कि कल का क्या होगा, कल क्या हो सकता है। तो मैं अपनी कल की प्लानिंग बताता हूँ। सबसे पहले आते हैं डे चार्ट पे। अच्छा हाँ, उससे मजे की बात आपको एक चीज और दिखाता हूँ मैं, सबसे मजे की चीज। लास्ट संडे जो मैंने एक वीडियो बनाया था वी वैप के ऊपर, ए वी वैप के, एंकर वी वैप के ऊपर, तो अब आप इसमें देखिए। इसमें अगर आप देखेंगे, मैं बड़ा कर देता हूँ, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है कि इसने जो पहला वाला जो सपोर्ट था उसको इसने ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये अब अपने दूसरे सपोर्ट के पास है। ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है ना, ये नीले रंग वाली, ये जो है सो दूसरे सपोर्ट के पास है, जो कि है 33,347, मीन्स 33,347। तो ये इस लेवल के पास ये बिल्कुल आके खड़ा हुआ है। और अभी जो एक गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पर, इस गैप के पास भी देखिए, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेकर के ये छोटा सा एक पुल बैक इसने लिया है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर बैक टू बैक 3 और 3 6 6 दिन बहुत बड़ी कैंडल बनाई है, वो हम इस पे देखेंगे। मैं आपको प्राइस रेंज वगैरह सब बताऊंगा। इसमें दिखाने का मकसद ये है कि ए वी वैप कितना पावरफुल है, वो हमें यहाँ दिखता है कि अगर वो अपने सपोर्ट को तोड़ता है तो वो नेक्स्ट सपोर्ट तक जाता है। तो अब अगला टारगेट जो है, अगर ये कल ये सपोर्ट पुल बैक लेकर के अगर ये तोड़ देता है, तो अगला सपोर्ट जो है हमारा है 33,354, मतलब 354, 385 मान लीजिए, मतलब 33,350 का जो है सो हमारा अगला सपोर्ट लेवल होगा। अब यहां पर मैं एक चीज आपको और दिखाता हूं। जैसे अब यहां पर हम देखते हैं, अब जैसे पहले भी एक बार ऐसा हुआ है, क्योंकि मार्केट के अंदर हिस्ट्री हमेशा रिपीट होता है। अब देखिए, एक बार यहां पर क्या हुआ था, 3 3 6 दिन तक लगातार बैक टू बैक रेड कैंडल बनी थी। इसका प्राइस रेंज मैं आपको बताता हूं कि प्राइस रेंज क्या था। ये करीब करीब देखिए 2733, मतलब 2733 पॉइंट जो है सो इसने डाउनफॉल दिया था। और उसके बाद, इसको मैं क्लोज करता हूं, उसके बाद इसने 6 दिन के बाद उसने एक बड़ी मस्त जो है सो ग्रीन कैंडल बनाई, और ये ग्रीन कैंडल थी 1540 पॉइंट की, 1540 पॉइंट, मतलब 41 पॉइंट के आसपास की। इसने एक ही दिन के ऊपर देखो पुल बैक लिया इतना बड़ा। यह सेम कंडीशन यहाँ पर है, दिख रही है, मतलब मोर और लेस सेम ही है। अब इसका देखते हैं कि इसने कितने पॉइंट का गिरावट दिया है। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो देखिए, इसने 2882 पॉइंट, 2882 पॉइंट का इसने जो है सो डाउनफॉल दे चुका है 6 दिन के अंदर। तो अगर यहां से पुल बैक आता है, तो मतलब मेरे को तो ये उम्मीद है कि अगर यहां से एक पुल बैक आता है, जैसे यहां पर ये अपने सपोर्ट से एक बार यहां से पुल बैक लिया है, क्योंकि ये एक ही बार यहां पर टच किया है, अगर इसने यहां से पुल बैक लिया तो माइट भी यहां तक आ सकता है। यहां तक अगर ये यहां तक भी आता है तो 34,200 के आसपास, मतलब 34,000 के आसपास तक ये एक बार आकर के पुल बैक, मतलब 400 500 पॉइंट का पुल बैक ले सकता है। और अगर पुल बैक लेके वापस आया नीचे की तरफ को, तो पक्की बात है फिर इसको तोड़ करके, और ये हमारे जो एवी वैप का जो अगला सपोर्ट है यहां तक आ जाएगा, ये जो कि हमारा ये वाला सपोर्ट है दिख रहा है जो ब्लू कलर का, यहां तक आएगा ये। तो कल मैं वेट करूंगा, अगर कल गैप अप खुल जाता है
और 34,000 के आसपास रहता है वो। तो ज्यादातर चांसेस हैं कि मार्केट वहां से अगर वो अप मूव कर गया और 34,000 के लेवल को उसे सस्टेन कर लिया, तो हो सकता है कि वो 700-800 पॉइंट का अपसाइड का रैली दिखा दे। मगर अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आज विक्स भी सुबह इतना डाउन था, फिर एकदम से वो -0.6% से वो सीधा, जब मैंने दोपहर के बाद देखा तो वो 2-2.25% का प्लस हो गया था, ग्रीन कलर में आ गया था। तो इतना बड़ा मूवमेंट हुआ, और ये मूवमेंट रिटेलर नहीं, ये सिर्फ FII की वजह से हुआ होगा। अभी तक डेटा उसका शायद आया नहीं है, ये हमें सुबह दिख जाएगा कि कल आज के दिन में कितनी सेलिंग की है। इसका मतलब बहुत भारी सेलिंग की है FIIs ने आज। मोमेंटम अभी भी डाउन साइड के, मगर एक पुल बैक लेगा जरूर, और एक अगर पुल बैक लेगा, अगर 400-500 पॉइंट का भी उसने पुल बैक लिया तो उसके अंदर अपना काम हो जाएगा। तो कल का जो मेरा एनालिसिस है उसी का है, डिपेंड करता है मार्केट कहाँ खुलते हैं। अगर फ्लैट खुलेगा और एक पुल बैक लेने की कोशिश करेगा तो मैं बाय करूंगा, और बाय करके उसको अपना 100-125 पॉइंट अगर मुझे मिल जाता है तो मैं उतना लेकर के और निकल जाऊंगा। अगर डाउन साइड आएगा तो फिर मैं इसके नीचे, अगर ये इसके नीचे बॉडी को क्रॉस करेगा तो मैं वहां पर सेल करूंगा, जैसे यहां पर है इस वाले में देखे। तो अगर ये इस गैप के बीच में आ जाता है और यहां पर एक 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल क्लोज कर देगा, तो डेफिनेटली ये फिर अगले सपोर्ट के पास अपने आना शुरू कर देगा, तो जो कि करीब 500, ये करीब 600 पॉइंट दूर है अभी यहाँ से। हाँ, करीब 600 पॉइंट की दूरी है अभी यहाँ पर इस सपोर्ट से लेकर के और अगले सपोर्ट तक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ। एक्चुअली जब होता क्या है ना, मैं सारा सेटअप मेरा सेम है, पर जब मैं वॉइस ओवर करता हूँ ना, तो उसमें आवाज़ थोड़ी सी इको टाइप आ रही है, ब्लर आ रही है। उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, देखता हूँ वो कितनी जल्दी मैं फिक्स कर सकता हूँ उसको। बाकी सेम सेटअप में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो उसको मैं देखता हूँ कि शायद हो सकता है कि वो, मुझे पता है कि कुछ गड़बड़ मैं ही कर रहा हूँ, और वो क्या गड़बड़ है मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, जल्दी उसको फिक्स कर लूंगा मैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।